मेरी चाहे मेरी हो या मेरी मेरी पड़ोस हो, लेकिन इस प्रकार का वातावरण देख रहे, इस प्रकार का वातावरण तैयार है कि वो अपने उस धोने की विधि के पास भी न जा सके और उस धोने की विधि को अपने मन आती है। तो आपको सकारा और वातावरण तैयार करना है। और मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जब पड़ोसी का बेटा जब बिगड़ता है, पड़ोसी की बेटी जब बिगड़ती है, तो हमें खुशी होती है। आज की जनरेशन का ये बात है, लेकिन हमें खुशी नहीं होने से पड़ोसी का बिगड़ा है, ये बिगड़ने के बाद में दूसरा नंबर आपका और आपकी बेटी का, आपके बेटे का है। तो पड़ोसी का बिगड़ रहा है तो आपका पूरा दायित्व बनता है कि उसको रोके। आपसे नहीं रुक रहा है तो उसके गार्जियन के नोटिस में डाले, उससे भी नहीं हो रहा तो समाज के नोटिस में डाले, उससे भी नहीं हो रहा तो जो भी विकल्प अपने पास में है उसे रोकने का, बिगड़ती इस पीढ़ी को रोकने का जो भी विकल्प है, उस पीढ़ी से हम उस विकल्प से रोकना चाहिए। बात ये नहीं है कि बेटा और बेटी अलग है। अगर बात मेरे नन्हे लाडलों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि दोस्तों, जब आप भी अपने जब सारी के सारी बहनें टॉप कर रही थी, सारा का सारा प्राइज पूरी बहनें ले गई है, तो अपन ने क्या किया? अपन ने तालियां इनके लिए बजाई है तो अपने लिए कौन बजाएगा? अपने लिए भी तालियां बजनी चाहिए। बजनी चाहिए नहीं बजनी चाहिए? नहीं बजनी चाहिए। कौन कौन कह रहा है बजनी चाहिए नहीं बजनी चाहिए? दोस्तों बजने के लिए अपने लिए भी तालियां, तो अपने लिए तालियां बजवाने के लिए ये करना होगा जो आपकी बहनों ने किया है। उन्होंने मेहनत करी है, उन्होंने पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लाए हैं और आपको भी अच्छी मेहनत करनी है। आपको दो पांच दस दोस्तों के साथ जी बैठना है, दोस्तों के साथ चौराहे पे इंद्र भाई की दुकान पर ले जाना है और राजू भाई की दुकान पर ले जाना है और भी मेरे जैसे हैं रूम की दुकान पर ले जाना है, क्योंकि ये दुकान आपके लिए नहीं है, ये तो दुकान उन बिगड़ेलों के लिए है जो बिगड़ करके अपने माँ बाप का रोशन उनका नाम के ऊपर इतना बड़ा दाग लगाने वालों के लिए है। तो देखते हैं ये कि आप अपने कुल परिवार को खतरे में डालना चाहते हो, अपने माँ बाप को बदनाम करना चाहते हो, तो चौराहे पे बैठ करके दारू पी लेना, चौराहे पे बैठ करके गाड़ी को स्पीड से भगा लेना और चौराहे पे बैठ करके तेरे सारी मारी कर लेना। तो ये सारी चीजों से हमें बचना है। फिर हम आगे चलते हैं कि आप मेरे सभी पंच जगहों पे जिनपे हम चल करके आपका सब कुछ हम ग्रहण करते हैं, तो आपका दायित्व सिर्फ आपके खुद के बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए, आपका दायित्व सभी बच्चों के साथ सम्मान रूप से होना चाहिए, समाज के साथ सभी बच्चों के साथ सम्मान रूप से होना चाहिए, ग्राम के साथ सम्मान रूप से होना चाहिए। अगर एक बच्चा बिगड़ता है तो ग्राम का नाम पहले खराब होता है, अगर कोई किसी का मर्डर करता है तो कौन उस गाँव का फलाने समाज का फलाना थोड़ा है जो उसका ये कर दिया, तो बताओ कि माँ बाप का नाम तो बाद में आया है। तो आप अच्छा एनवायरमेंट तैयार करेंगे। मैं ये भी निवेदन करना चाहूंगा आप सबसे कि आप हल्के में मिले कि हमारे इस एरिया के अंदर हम कभी सुना करते थे कि इज्तिमाई की चीज कोई होता होता है, इतना दिन तो हम बड़ा से बड़ा दारू समझ रहे हैं, दारू होता है और दारू को हम देखते हैं इसलिए हम कहते हैं कि दारू खराब है, लेकिन एक नया नाम और पैदा हो गया इज्तिमाई, जो अपने क्षेत्र के अंदर आज मेरी जगहों में लगभग सिर्फ थोड़े ग्राम पंचायत के अंदर हमारी काउंटी में 20 से 25 बच्चे पैदा हो गए हैं, और सबसे पहले एक बच्चा पैदा था वो बच्चा था। तो आप सबका दायित्व है, ऐसे बच्चे आपको नजर आते हैं तो आज की पीढ़ी में कोई नजर आता है तो उनके ऊपर रोकथाम लगवाए किसी भी रूप से। मैं तो कह रहा हूँ आपको गलत करना पड़ता है तो कर लेना, मुकदमा करना पड़ता है तो करवा लेना, पुलिस में अंदर सजवाना है तो सजवा देंगे, जेल में जाए तो जाने देंगे, 6 महीने बाद वापस आए अगर साल भर वापस आ जाएगा, लेकिन वो सुधर हो जाएगा कम से कम, उस बच्चे की पीढ़ी में सुधर जाएंगे, वो गाँव का बच्चा बैठा सुधर जाएगा। तो इस लाइफ में जो भी आपकी नजर में आ रहा है उसके ऊपर झूठ मानकर नहीं किया जाएगा। फिर उसके बाद मैं निवेदन करना चाहूंगा आप सबसे
कि इस विद्यालय के अंदर आपको सबका बड़ा लगाव है और लगाव होना भी चाहिए और अपने जीवन में या इस राष्ट्र निर्माण में या समाज निर्माण में जो भी मुझे हैं जो आपका एक निर्माण कर सकता। एक तो यही विद्यालय है जहाँ पर सारे संस्थाओं का निर्माण होता है या उन बच्चों में प्रत्यारोपण होगा। दूसरा आपका परिवार है, जो आपके परिवार के जो संस्कार हैं, आपके परिवार के जो दिए हुए गुण हैं, वही जान करके आगे बच्चा अपने जीवन में उतारेगा। तो अपने जीवन में प्रत्येक पीढ़ी के अंदर जो भी प्लेटफॉर्म होता है, जंगल और मंगल, और इसकी एक निश्चित उम्र होती है कि अगर वो निश्चित उम्र के साथ में अगर रास्ते से जंगल की तरफ जाएगा या फिर अच्छा गाइडेंस मिला तो मंगल की तरफ जाएगा, तो जंगल में क्या होना है वो आप सबको बता दें, कितना भयानक होता है वहाँ जाकर के सब नष्ट होने की सिवाय कुछ नहीं होता है। और मंगल में जो अभी मैं इसी के बीच में हमारे बिजनेस श्रीमान भवरलाल जी केन्द्र साहब आपके बीच में पढ़ा रहे हैं, तो आपका इस मंच पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं श्रीमान भवरलाल जी चैप्टर पर हमें आपका बहुत बहुत सर्वदेश स्वागत अभिनंदन वंदन है। अभी आपने आगे बढ़ा हाँ अभी हमारे बीच में अभी भी भवरलाल जी बूढ़ी देवी डॉक्टर भवरलाल जी पढ़ा रहे हैं, इनकी बड़ी घोषणाएं भी हमारे बीच में अभी आपने हमारे खूब संबंध राजू सिंह जी से थोड़ा शांति बनाए रखे बेटा, थोड़ा नीचे बैठ जाइए, एक बार और जोर से जय बोलेंगे, भारत माता की वंदे वंदे। हाँ तो देखिए अभी आपने हमारे पूर्व संबंध राजू सिंह जी से बड़ा ही खास गंभीर भाषण सुना, शायद आपको भाषण संस्कृत लेनी चाहिए, संस्कार वाली बातें बताई सारी। और आपको मालूम है मैं बार बार आपको भी कहता हूँ कि ढाले जो डंजाल से काचो कुंप कुमार, ढाले जो डंजाल से काचो कुंप कुमार, उम्र पर उठ पे नहीं शिशु वास्तव संस्कार। अरे बच्चों को जो संस्कार पूर्व में मिलते हैं, स्कूल में मिलते हैं, माता पिता से मिलते हैं, वो जीवन में कभी भी चेंज नहीं होते हैं, बदलते नहीं है। लेकिन आप ऐसी अच्छी बातों पर ध्यान देंगे तो होता है, जिस खेत में बारिश नहीं होती है क्या होता है, क्या होता है देखिए, जिस खेत में बारिश नहीं होती है वहाँ की फसलें बर्बाद हो जाती है, जिस खेत में बारिश नहीं होती है वहाँ की फसलें बर्बाद हो जाती है, और जिस घर में संस्कार नहीं होते हैं धन्यवाद आपको खूब खूब। हमारे बीच बताने में सीढ़ियों का उन्हें बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन, और आपके स्वागत में एकल नृत्य प्रस्तुत करवाते हैं धीरे धीरे चांद मारे पूछ। तो लीजिए आमंत्रित है एकल नृत्य धीरे धीरे नाच मारे फूलगड़ी।
हिंदू राज्य।